विदर्भ के वर्धा जिले को नया पर्यटन स्थल मिलने के संकेत है। वर्धा शहर के पास सालोद में वन विभाग का 18 हेक्टेयर वन क्षेत्र उपलब्ध है। विधायक डॉक्टर पंकज भोयर ने इस स्थान पर इको टूरिज्म पार्क स्थापित करने का प्रयास शुरू कर दिया है। उन्होंने वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार से इस बारे में अनुरोध किया था। वन मंत्री ने तत्काल सकारात्मक रूख अपनाते हुए विभाग के सचिव को इस संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। वर्धा जिले के मेघे अभिमत विश्वविद्यालय के पास और राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे रणनीतिक स्थान पर पार्क बनाया जाने वाला है। यह नागरिकों के मनोरंजन के लिए एक अच्छी जगह होगी। साथ ही इस अवसर पर बेरोजगारों को रोजगार के कई अवसर भी उपलब्ध होंगे। इस पार्क पर 21 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। सेवाग्राम, पवनार, बोर अभयारण्य और अन्य स्थान वर्धा जिले को पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। यह इको पार्क भी अब जिले के पर्यटन स्थलों का हिस्सा बनेगा। मुनगंटीवार ने भोयर के अनुरोध पर विभिन्न कार्यों के लिए भारी धन उपलब्ध कराया था, इसलिए इस प्रस्ताव को भी तुरंत स्वीकार किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।